नमस्कार मित्रों, आज चर्चा करेंगे कुछ मूलभूत अष्टांग योग के अंगों के बारे में। मूलतः आसन, प्राणायाम, मुद्र, बंद और अंत करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ। इस चर्चा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है कि इसको संक्षिप्त रखना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम से कम समय में प्राप्त करें और उसको अपने नित्य जो योगा क्रम है, आसन क्रम है आपके, उसमें आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो इसीलिए मैं बहुत संक्षिप्त विवरण दूंगा अष्टांग योग के इन अंगों का, ताकि आप उसको अपने जीवन में उतार सकें और आसन और प्राणायाम के महत्व से एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को स्वस्थ रख सकें, ताकि आप निर्वाणा के मार्ग में अग्रसर हो सकें। तो पहले बात करते हैं आसनों की। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है योग के ऊपर, और कृष्ण ने योग के तीन मार्ग बताए हैं, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो ध्यानात्मक योग जो है, उनमें कुछ आसन होते हैं, 6 प्रकार के आसन होते हैं। एक सीक्वेंस बना लीजिए, एक तरह का पिरामिड है आपका बॉडी, जितने ज्यादा पिरामिड के रूप में होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबके ऊपर आप देखेंगे स्तूप टाइप की चीज बनी रहती है। तो ये एक रेशियो है जिसका फ्लैट ब्रॉड बेस होगा और एक पॉइंटेड टिप होगा। ये दिखा रहा है एक ट्रायंगुलर त्रिकोण, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, और यही इड़ा पिंगला की एनर्जी को बैलेंस करने का मकसद ही है कि उसको ऊपर सुषुम्ना के मार्ग पे ले जाए। तो जो 6 ध्यानात्मक आसन है, उनमें सबसे पहला है सुखासन। सुखासन में आपको बेसिकली अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। तो आप ऐसा देख रहे हैं कि मैंने अपने बाएं एंकल को दाहिने एंकल के ऊपर रख लिया है। आपको अगर ज्यादा सुविधा हो तो आप अपने दाएं एंकल को बाहिने के ऊपर रख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है कि आप किस लोकेशन, किस स्थान पर अंगों को एक दूसरे से स्पर्श करवा रहे हैं। तो यहां पे मेन है आपका एंकल, तो राइट एडी जो है वो लेफ्ट एडी के संपर्क में आ रही है, और उसका प्रमाण है कि आपको जमीन से थोड़ा, ये जो आपके घुटने हैं वो लगभग 3 से 6 इंच ऊपर होंगे। सुखासन नंबर 1। इससे अगर आप ऊपर उठना चाहें, सुखासन से यदि ऊपर उठना चाहें, तो आप एक काम करें, आप अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाकर अपने बाएं जो ग्रोइन है उसके ऊपर सटा दें। ऐसा करने से आप आ जाएंगे अर्ध पद्मासन। पद्म आसन मतलब लोटस पोजीशन। तो ये अर्ध पद्मासन है, क्योंकि एक साइड तो आप देख रहे हैं कि जमीन से टच हो रही है घुटना, पर दूसरे साइड अभी भी 3 से 6 इंच ऊपर है, तो अर्ध पद्मासन हो गया। अब इससे भी आगे बढ़े तो आप कि शरीर में इतनी ज्यादा लिगामेंट्स आपके लैक्स है और आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने बाएं पैर को अपने दाएं ग्रोइन में सटा सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे दाहिना पैर तो बिल्कुल सट जाता है, और जो बायां पैर है वो भी 3 इंच भी नहीं रह गया। अब मैं तो बोलता हूं 3 उंगली रह गई है मेरी, तो ये 1 इंच रह गया। तो ये हो गया पद्मासन। तो मित्रों, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, ये तीनों गृहस्थ लोगों के लिए उचित बताए गए हैं। अब इससे ऊपर उठेंगे तो आप कर सकते हैं, मैं जनरली सब में लेफ्ट वाली चीज को जमीन से सटाता हूं, ऐसा ये मेरा करने का तरीका है, पर आप दाहिने को भी सटा सकते हैं जहां तक मुझे समझ में आता है। तो जो बाएं पैर है उसको, उसका जो तलवा है, जो द प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट लिम है,
उसको आप सटा ले जाके अपने पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई से, यानी कि जांघ पे अपने तलवे को अगर सटा लें, और फिर यहां पे आपका ज्यादा जोर है सटने पे, बाएं तलवे का दाहिने जांघ पे सटने का, और ये दूसरा जो दाया पैर है उसको उठाकर बस बाएं पैर के ऊपर रख दे। तो ये हो गया स्वास्तिक आसन। इसमें भी ध्यान अच्छे से कर सकते हैं, पर ये ब्रह्मचर्यों के लिए कहा गया है। अब इससे भी ऊपर उठें तो थोड़ा सा वेरिएशन है स्वास्तिक आसन का, जहां आपने ज्यादा प्रबल जोर लगाया है तलवे को पैर से सटने के लिए, उसकी जगह पर जो आपकी एड़ी है, जो हील है, उसको अगर आप अपने पेरिनियम में सटाने की कोशिश करेंगे शिव योनि में, और वहां पे सटा के आप फिर इस पैर को जो एड़ी है वो आप दाएं एड़ी को बाएं एड़ी के ऊपर रख देंगे, तो ये देखिए ये ब्रेथ जो है आपकी बढ़ गई है। तो जो पिरामिड का बेस है वो सिद्धासन में ज्यादा ब्रॉड है कंपेयर टू स्वास्तिक आसन में, ठीक है जी। ये क्योंकि ये जो माइग्रेशन हुई है फुट की वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई से माइग्रेट होकर मीडियली आ गई है और वो हिट कर रही है आपके पेरिनियम को, और इसीलिए ये ब्रेथ जो है ये ब्रॉड बेस पिरामिड का और फिर ये नैरो टॉप पिरामिड का। ये सिद्धासन सिद्धा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहते हैं हनुमान जी को, तो ये सिद्धा वो है जिसको बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो, और ऑफ कोर्स उसके इंद्रियों पे भी निग्रह है। परंतु कहते हैं कि बुद्ध ने जब मोक्ष प्राप्त की थी बोधगया में, तो वो सिद्धासन की अवस्था में प्राप्त की थी। ये हो गई पांचवी आसन। छठी आसन है वज्रासन, जिसमें अपने जो आपके पैर हैं उनको आपको मोड़ के अपने एड़ियों के ऊपर, अपनी इशियल ट्यूबरोसिटी को एड़ियों पे सटाना है और बहुत सीधा रखना है। पूरे छह आसन में आपको अपना मेरुदंड या स्पाइन सीधा रहेगा। मैं साइड व्यू में भी दिखा दूं एक बार आपको, साइड व्यू में ऐसा रहेगा। अब कुछ लोगों की हैबिट है ऐसे चले जाते हैं, ये हरकत सही नहीं है। आपकी जो लंबर जो कर्वेचर है वो इंटैक्ट नहीं चाहिए, और जितनी सीधी रखेंगे मेरुदंड को उतना अच्छा प्रभाव ध्यान में बनेगा। ये हो गई वज्रासन, ठीक है। अब ये छह आसन को मैं एक क्विक सीक्वेंस में दिखाता हूं ताकि आप समझ जाए कैसे करना है। सबसे पहले सबसे इजी सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, वज्रासन। कितनी देर बैठे जी, आपकी श्रद्धा, जितनी देर आप बैठ सकें अच्छी है। अगर आप चेयर कुर्सी टेबल पर ना बैठकर इन्हीं छह आसनों को ऑसिलेट करते रहे तो ये बहुत अच्छा है आपके मेरुदंड के लिए, बहुत अच्छा है आपके आपके ध्यान के लिए, आपके शरीर की लचक बनाए रखने के लिए, स्पाइन की जो जे शेप होती है उसको इंटैक्ट रखने के लिए। इनफैक्ट अगर आप सोचें तो बैठने की जो अवस्था है वो बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि स्पाइन के जो कर्व होते हैं वो ऑब्लिट्रेट हो जाते हैं। या तो आप स्क्वैटिंग पोजिशन में बैठें ऐसे, ताकि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो एक्चुअली इससे क्योर होता है, और या फिर आप एक वज्रासन में बैठ सकते हैं जिससे आपकी अग्नि प्रबल होती है। तो ये छह आसन हो गए। अब प्राणायाम के जो मूलभूत है, दुनिया भर के प्राणायाम है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण है वो मैं कुछ प्राणायाम आपको दिखाता हूं। सबसे पहला प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य मतलब दाहिना नॉस्ट्रिल, दाहिनी नासिका, तो दाहिना नास्ट्रे इज पिंगला, दाहिना इज ह एंड दाहिना इज सूर्य, और बाया इज थ कोल्ड चंद्र पिंगला,
माफ कीजिएगा इडा, ठीक है जी। तो दाहिना ह बाया थ हाथ, हाथ यो। तो सूर्य भेदी में आपको श्वास खींचनी है दाएं से और निकालनी है बाएं से, बस यही है सूर्य भेदी। करके दिखाता हूं, अपने अंगूठे से मैंने बाएं नॉस्ट्रिल को दबाया और दाएं से सांस लूंगा, बस एक दाहिने नॉस्ट्रिल से अंदर खींचा बाएं से बाहर निकाला, यह हो गया एक सूर्य भेदी। ऐसे ही आप पांच बार करें, पांच सूर्य भेदी। अब अनुलोम विलोम क्या है जी, एक सूर्य भेदी को एक चंद्र भेदी से जोड़ा तो फिर अनुलोम विलोम कहलाया। एक्चुअली एक चंद्र भेदी को एक सूर्य भेदी से जोड़ा, तो चंद्र को पहले करना है। फिर से करके दिखाता हूं, चंद्र भेदी करके दिखाता हूं एक बार। चंद्र भेदी में आपको बाएं पिंगला को माफ कीजिएगा इडा को मजबूत करना है। तो इडा की जो शक्ति है, चंद्र की शक्ति, उसके लिए आपको बाएं, क्या है ये शक्तियां, क्या है एनर्जी, एनर्जी आपकी अगर लेफ्ट की वीक है तो लेफ्ट से इनहेल करो, अगर राइट की वीक है तो राइट से इनहेल करो, यही क्षमता। तो चंद्र भेदी में आपने दाएं थंब से दबाया दाएं नॉस्ट्रिल, परंतु लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर खींच के रोका कुंभक, और फिर आपने रिंग फिंगर से ब्लॉक किया और राइट नॉस्ट्रिल से ब्लो आउट कर दिया, ठीक है जी। तो लेफ्ट से अंदर खींच के राइट से निकाला चंद्र भेदी, राइट से अंदर खींच के लेफ्ट से निकाला सूर्य भेदी। एक बार चंद्र भेदी किया, उसके तत्पश्चात एक बार सूर्य भेदी कर लिया, तो हो गया एक अनुलोम विलोम, ठीक है जी। तो ये हो गए सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम कैसे करेंगे करके दिखाता हूं। लेफ्ट से अंदर खींचा, होल्ड किया कुंभक, फ्लिप किया नॉस्ट्रिल, अब राइट से ब्रीद आउट, चंद्र भेदी समाप्त, सूर्य भेदी की स्थापना करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से अंदर खींचा, होल्ड किया कुंभक, फ्लिप की नॉस्ट्रिल, फिर राइट से लेफ्ट से ब्रीद आउट करेंगे, चंद्र भेदी कंप्लीट, एक अनुलोम विलोम कंप्लीट। फिर से खींचेंगे, दो अनुलोम विलोम कंप्लीट। ऐसे आप कर लें 10 से 15 बार अनुलोम विलोम। यह अनुलोम विलोम हो गया। दूसरा हो गया आपका ब्राह्मरी। ब्राह्मरी मतलब बी की बजिंग जैसी साउंड निकालनी है, ओम से कर लो या कोई और वर्ड से कर लो। तो पहले अपने नौ द्वारे पूरे देह नैव कुर्वन कार्य, जो नौ द्वारों का सिटी है उसमें इंसान रहता है, ऐसा कृष्ण भवन कहते हैं। तो ये नौ द्वारों को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, नौ सारे नौ तो नहीं द्वार क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि बंद आ जाएगा अगर आपने क्लोज किया तो अभी बेसिक जो द्वार आपके चेहरे पे उनको क्लोज कर रहे हैं, ये होती है ब्राह्मरी। तो या तो भ्रांवों पे रख लें या आंखों पे रख लें, जैसी आपकी श्रद्धा, परंतु बेसिकली आपको क्लोज करनी है अपनी नॉस्ट्रिल, अपने ट्रेगस पे रख लें या इसके नॉस्ट्रिल मिडिल ईयर कैनाल में डाल दें, एक्सटर्नल ईयर कैनाल में डाल दें, पर बेसिकली ब्लॉक करना है इसको आपने, और फिर आपको अपने आंखों के ऊपर नॉस्ट्रिल के साइड में और यहाँ पे अपने अपर लिप पे और लोअर लिप पे ऐसे आपने कर लिया, और फिर आपने या फिर एक बजिंग आवाज निकाल दी, एक्सलेशन बेस्ड है ब्राह्मरी। अब तीसरा है भस्त्रिका। भस्त्रिका में गहरी सांसें लो, गहरी सांसें छोड़ो, जल्दी जल्दी करनी है तो जल्दी जल्दी करो, धीमे धीमे करनी है तो धीमे धीमे करो। प
पर सारा आपका जो ध्यान है वो डायफ्राम और आपके लंग्स के ऊपर है, फेफड़ों और डायफ्राम के ऊपर है। ये पेट पे जो लोग ध्यान देते हैं कि पेट अंदर ले जाएंगे हम लोग इसके साथ, ये हरकत मत करिए, ये आप मिक्स कर देते हैं बंद और कपाल भारती को। ये इसके लिए कोई नाम नहीं रख पाए हम लोग आसन में, ये हमारे गुरुदेवों ने नहीं रखा है। तो ये हरकतें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मरी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए है, भस्त्रिका आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, और कपाल भारती आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, ब्रॉडली स्पीकिंग। तो भस्त्रिका में सारा ध्यान है डायफ्राम और टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये और ज्यादा ये उठाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सिर को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, चेहरों पे ज्यादा मस्कुलेचर को जेस्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सारा ध्यान अपने फेफड़ों पे देना। उसके बाद मैं आता हूं कपाल भारती पे। कपाल भारती प्रीडोमिनेंटली श्वास निकाल कर पेट को अंदर खींचने की टेंडेंसी है, तो इसको ऐसा करेंगे। कपाल भारती को नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है 12 टू 16 ब्रेथ पर मिनट, उसके अनुसार ही करें। ज्यादा तीव्र या ज्यादा धीमे करने की जरूरत नहीं है। आपको सामान्य 12 से 16 बार एक मिनट में करना है, जो कि नॉर्मल आपके श्वास की गति है। भस्त्रिका को आप तेज कर सकते हैं, भस्त्रिका को आप धीमे कर सकते हैं, क्योंकि एयर की बात हो रही है, लंग की बात हो रही है, टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाने की बात हो रही है। अब एक और प्राणायाम करेंगे, इसको कहते हैं शीतकरी या शीतली। इसमें आपको सांस अंदर खींचनी है मुंह के द्वारा और निकालनी है अपने नासिका के द्वारा। तो अगर दांतों को भींच के कुंभक किया, रोका सांस, अब इसको बाहर निकालेंगे नॉस्ट्रिल द्वारा। ये कहलाई शीतकरी। और अगर यही प्रोसीजर को आपने अपनी जेवा को रोल करके कर लिया, ये कहलाई शीतली, शीतकरी। और शीतली दोनों अवस्थाओं में सांस को ले रहे हैं अंदर मुंह के माध्यम से और निकाल रहे हैं नासिका के माध्यम से। तो ये हो गए सारे मूलतः जो इंपॉर्टेंट प्राणायाम थे, मैंने आपको बताने थे। बस ब्रह्मरी भस्त्रिका कपाल भारती शीतली शीतकरी। सूर्य भेदी चंद्र भेदी अनुलोम विलोम, एक चंद्रवेली फॉलोड बाय एक सूर्यभेदी। प्राणायाम के तीन आयाम है। एक आयाम है पूरक, जिसमें आपने सांस अंदर भरा,
सांस भरे हुए हैं पूरे लंग्स में, तो ये जो ड्यूरेशन है ये हो गया पूरक। अब जो होल्ड करके आपने सांस रखा है अपने अंदर, इसको कहते हैं कुंभक, रिटेंशन। और जब निकालेंगे ये हो गया रेचक, एलिमिनेशन। तो पूरक, स्टेबिलाइज एंड होल्ड, कुंभक एंड एक्सहेल इज रेचक। पूरक, रेचक, कुंभक। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक कुंभक जिसमें आपने सांस पूरा अंदर खींच के रोका है, पूरा लंग्स को आपने ऑक्सीजन से भर के वाइटल कैपेसिटी को अल्टीमेट कर दी है 1500 या जो भी है। अब इसको जो निकाल के दिया आपने, रेचक कर दिया, बिल्कुल खाली हो गया पेट और छाती, तो यह अवस्था है आपकी बाह्य कुंभक, बाह्यांतर कुंभक। जो अंदर खींचा वो थी अभ्यांतर अंतर कुंभक। अंतर अभ्यांतर में सांस खींचा, बाहर में सब कुछ खाली। बाह्य कुंभक का जो ड्यूरेशन है वो ऑब्वियसली कम रख पाएंगे, और अभ्यांतर कुंभक को आप मैक्सिमम रख सकते हैं। तो जो प्राणायाम है उसको आपको स्लोली इंटीग्रेट करना है कुंभक के साथ, ब्रेथ रिटेंशन के साथ। और जब प्राणायाम को आपने कुंभक के साथ जोड़ दिया तो नेक्स्ट स्टेप है बंध। बंध में आपको ड्यूरेशन ऑफ कुंभक में एक मसल कॉन्ट्रैक्शन का एलिमेंट जोड़ना है। तो जल्दी से बताता हूं आपको बंध। तो बंध की पहला क्या नियम है कि ये कुंभक की अवस्था में ही इनिशिएट करना है इसको। जो सिद्ध पुरुष है, महापुरुष है, वो कभी कभी कुंभक लगा के सांस लेना देना चलाते रहते हैं, पर बंध को लगाए रखते हैं, माफ कीजिएगा, कुंभक में इनिशिएट करते हैं और बंध को कुंभक में इनिशिएट करते हैं, और अगर कुंभक खत्म भी हो गया तब भी बंध को रखे रखते हैं। तो ये तो बहुत बड़े सिद्धों की बात हुई, पर हम लोग जैसे इंसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुंभक के ड्यूरेशन में इनिशिएट और होल्ड करें, और जब कुंभक छोड़ दिया तो बंध को भी छोड़ दें। तीन प्रकार के बंध होते क्या हैं? बंध इज एक तरीका है जिसमें आप मसल कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन करा के आप इनवॉलेंट्री मसल्स के ऊपर ग्रेजुअली वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो देखेंगे तीन प्रकार के बंध हैं, जलंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। जलंधर बंध आपके विशुद्ध चक्र पे लगा, उड्डयन बंध आपके मणिपुर, और मूल बंध आपके मूलाधार चक्र पे लगा। जलंधर बंध में आपने थुड्डी को, चिन्ह को स्टर्नम पे लगाया, और कुंभक की ड्यूरेशन में अभ्यांतर हो या बाह्य हो, अंदर खींचकर अभ्यांतर, बाहर करके रिटेन किया तो बाह्य, पर अभ्यांतर हो या बाह्य कुंभक, उसकी अवस्था में जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करके, और ये मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा, ये ऐसे नहीं करेंगे, ये सीधा रखेंगे बिल्कुल अपना मेरुदंड, और उसके तत्पश्चात अपने थुड्डी को अपनी स्टर्नम पर लगा के रिटेंशन के ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। तो मैं एक बार जलंधर बंद करके आपको दिखाता हूं। ये हो गया अभ्यांतर कुंभक जलांधर बंध। अब मैं दिखाता हूं बाह्य कुंभक जलांधर बंध। ठीक है जी, ये जलांधर हो गया। अब देखिए उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में आपको जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, अपर एब्डोमिनल मसल्स, इनफैक्ट इंटरकॉस्टल मसल्स जो भी हैं रिब्स के, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और लोअर एब्डोमिनल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें आपको फिर मैं दिखाता हूं, ये जनरली करते हैं बाह्य कुंभक के साथ। तो जब पूरी एनर्जी, पूरी एयर निकाल दी आपने, एम्प्टी कर लिया, जलंधर को आप दोनों में कर सकते हैं, परंतु उड्डयन को आप जनरली बाह्य कुंभक में करते हैं जब आपने एम्प्टी कर लिया आपने लंग्स और एब्डोमेन दोनों को। ऐसा तो आपने जब ब्रीद आउट कर दिया तो आपने मसल्स को अंदर खींच लिया, जितनी देर खींच के रखें, जितनी देर ब्रेथ होल्ड कर सके, वो आपका ड्यूरेशन हो गया आपके
बाह्य कुंभक उड्यान बंद का, तीसरा है मूल बंद। मूल बंद का मतलब है एक वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करें अपने यूरिथ्रल और एनल स्फिंक्टर को, गुदा के जो मांसपेशियां हैं और जो डेफिकेशन की मांसपेशियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रेथ होल्ड कर रहे साथ साथ। इनफैक्ट ब्रेथ होल्ड रिटेन कुंभक करें पहले, उसके बाद लगाएं, जैसे कि यह हो गया मूल बंद। तो जितनी देर आप बंद की अवस्था को लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी सुषुम्ना में फैलेगी। तो पहले तो प्राणायाम के द्वारा इडा और पिंगला को आपने बैलेंस में लाया, अब उस एनर्जी को कहां ले जाएंगे, ना वो इडा में जा रही है ना पिंगला में जा रही है। तो वो जो सर्प के मुख से ऊपर जाना है उसको, तो वो आ गई मूल पे, इसीलिए मूल बंद लगाया और मूल बंद से उसको एंट्री कराया। मूल बंद ने उसको फेंका उड्यान मणिपुर पे, मणिपुर पर ने फेंका उसको जलंधर पे। अब जलंधर से ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स आपको अजना और सहस्रारा में जाएगा, पर तीनों तीनों बंद किया करें, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सूक्ष्म शरीर के लिए भी अच्छा है। तो ये तीन बंद हो गए। बंद की आवश्यकता क्यों पड़ी, बंद बेसिकली एक एडवांस स्टेज ऑफ प्राणायाम है। इसमें आपने जब, जैसा मैंने बोला, अनुलोम विलोम आपकी इनिशियल स्टेज है, कपाल भारती, भस्त्रिका, ब्राह्मरी, शीतली, ये सब इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्राणायाम है। इसके बाद आप नाडी शोधन कर लें। नाडी शोधन में बताऊंगा आपको, नाडी शोधन प्राणायाम के चार स्टेप्स हैं जो अंत में कवर करेंगे, परंतु बेसिकली जब आपने ये सब पे वर्चस्व आपने एक एस्टेब्लिश कर लिया है, आपको एक अच्छा कंट्रोल आ गया, एक्सपर्ट हो चुके हैं, तब आपको करना होगा जो हमने कहा है कि बंद लगा सकते हैं जलंधर, उड्यान और मूल। अब मुद्रा के बारे में बात करेंगे। मुद्रा हैंड जेस्चर्स होते हैं, तो हमारे पुराने सारी जो किताबें हैं, जो योगासन की पतंजलि की किताबें हैं, हठ योग की जो किताबें हैं, उनमें बताया गया है कि ये जो हाथ में पांच उंगलियां हैं वो पांच महाभूत को दर्शाती हैं। तो पहली हो गई अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, नल या जल, जल, नल तो आग होती है। तो ये पांच आपने महाभूत आपके पांच उंगलियों में विद्यमान है। तो कुछ बेसिक मुद्रा बताऊंगा। एक है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में आपने अग्नि और वायु को मिलवा दिया और उसको रिस्ट को अपने नीज पे रखा और हमेशा मेरुदंड सीधा। अब इसमें ध्यान करना है तो ध्यान करो, ध्यानात्मक योग की जो छह आसन है, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, वज्रासन, उसमें लगा लो जिसमें लगाना है। प्राणायाम कर रहे हो तो अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, भस्त्रिका में लगा लो। मुद्रा एक एडिशनल, क्योंकि हैंड जेस्चर्स हैं सारी चीजें, तो सांस के माध्यम से, तो ये आप एडिशनल लगा सकते हो कोई भी चीज में। बंद भी आप एडिशनल लगा सकते हो ऑन टॉप ऑफ मुद्रा। ये फायदा है मुद्रा और बंद का, ये आपको सिनर्जिस्टिकली एड ऑन कर सकते हो ऑन द एग्जिस्टिंग आसन या प्राणायाम। ठीक है जी, ज्ञान मुद्रा। अब दूसरी है विष्णु मुद्रा। क्योंकि आपके शरीर में वात बढ़ने की ज्यादा टेंडेंसी होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वात बढ़ता है शरीर में, सारे वात प्रधान ही रोग होते हैं, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स क्यों हो, या फिर मेंटल जो एजिटेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैरानोया, माइग्रेन हो, चाहे वो आपकी कुछ और प्रॉब्लम हो, एम्फिसीमा की, जो भी प्रॉब्लम है, जनरली वात की समस्याएं जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, वात बढ़ता है। तो विष्णु मुद्रा का फंडा है कि आपने वायु और आकाश, जो कि वात के तत्व है, दोनों को डिक्रीज करना है। तो आपने मोड़ लिया और बाकी उंगलियों को आपने सीधे रखा है और ऐसे कर लिया, ऐसे आपने फिर रिस्ट को अपने नीज पे रख के विष्णु मुद्रा लगाई, यानी आप संसार या जो यूनिवर्स है उससे मांग रहे हैं, मुझे अग्नि प्रदान करिए, मुझे पृथ्वी प्रदान कीजिए, मुझे जल प्रदान करिए, लेकिन मुझमें वात और आकाश
के फ्लो को मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूं। तो ये आपके वात के रोगों को कम करने में हेल्पफुल होता है। अब तीसरी जो मुद्रा है वो कहलाई योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के बहुत वेरिएशन है। एक तांत्रिक मुद्रा है योनि मुद्रा, पर योनि का अर्थ हुआ यूट्रस या वूम, वो सेक्रेट स्थान जहां से आपका उद्गम हुआ है। तो हमेशा उस स्थान के लिए आपके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है, आपको वापस अपनी अवेयरनेस क्रिएट कराता है योनि मुद्रा, सेंसुअल जो प्रमाद है उसकी उसका खत्म करता है। योनि मुद्रा की बहुत टेक्निक्स है। सबसे सिंपल टेक्निक है, आप अपने अग्नि को साथ स्पर्श करवाएं और वायु को साथ स्पर्श करवाएं, ठीक है जी। अब ऐसा बना लिया आपने, अब ये तीनों जो यही तीनों को आप एक दूसरे लेफ्ट और राइट इडा और पिंगला को दोनों में आप जोड़ रहे हैं, बाकी तीनों को आप पीछे मोड़ ले, ऐसे तीनों उंगलियां जो है मेरी मिडिल रिंग और लिटिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे से टच करके मैंने इनको फोल्ड कर लिया आपस में, ऐसे कर ली और अब मैं मूल बंद की तरफ गया या मूलाधार की तरफ गया और ऐसे बैठ गया, ठीक है जी। तो कभी ये जो पोजीशन आपने लगा ली, ये सबसे सिंपलेस्ट योनि मुद्रा हो गई। कभी कभी आप शार्क टैंक में देखेंगे केविन और लियरी ऐसे करते रहते हैं, तो ये एक अलग टेंडेंसी है। इसमें बेसिकली कॉर्पस कैलोसम जो हमारे ब्रेन का है वो लेफ्ट विभाग राइट विभाग से सिनेप्सिस या न्यूरोनल नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहा है, इसलिए ये एक करेज और एक आपको कॉन्फिडेंस देने की पोजीशन है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा जो हमारे वेदों में बताया है वो है योनि मुद्रा। ऐसे बैठो, आप क्लास में बैठे हो, कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, ऐसे बैठो ना, ऐसे हाथ रखो, यहां पे नहीं रख सकते हो, टेबल पर रखो, लेकिन ये बनाए रखो, जितना नीचे रखोगे उतना अच्छा है। पर बेसिकली ये बता रहा है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन और सिंकिंग हो रही है लेफ्ट ब्रेन की राइट ब्रेन से, और आपको वो प्रिमिटिव ओरिजिन स्थान में आप वापस जा रहे हो। योनि मुद्रा हमेशा लगाएं, जितनी देर लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब एक हो गई शांभवी मुद्रा, इसके बारे में भी बहुत चर्चा होती है। शांभवी मुद्रा आपका ध्यान बढ़ाती है, इसको बोलते हैं ग्रेस लुब्रिकेशन मुद्रा, यानी कि आपके जीवन में ग्रेस चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो कैसे संकट मोचन नाम तुम्हारो, सारे संकट आपके कट जाते हैं। तो आपको एक अगर फ्री बाईपास प्राप्त करना है जहां आपकी लाइफ इजी हो जाए, जहां संकट नहीं हो, भागवत कृपा हो आप पे, तो वो उसके लिए शांभवी मुद्रा। ज्ञान मुद्रा लगाकर अपने रिस्ट को नीज पे रखें, मेरुदंड स्पाइन को सीधा रखें, चिन को थोड़ा ऊपर ले जाए और फिर आप अपनी आंखों को बंद करें। अब कुछ लोग हैं जो शांभवी मुद्रा में ऐसे अपने आईबॉल्स को ऊपर ले जाकर यहां पर ग्लैबेला या टिप ऑफ द आईब्राउ जो है लेफ्ट एंड राइट वहां पे ध्यान करते हैं। मेरे को तो चक्कर आती है यार जब मैं ये करता हूं, तो मैं ये हरकत नहीं करता। मैं बस अपने ऐसी ज्ञान मुद्रा लगाता हूं और आंखों को बंद करता हूं और अपने ध्यान करता हूं कि आप ग्लैबेला या जो सेंटर ऑफ फोरहेड है वहां पर आप एक बिंदु पे आप ध्यान एकाग्रित करें। और मेरे लिए तो यही, अगर आपको आईबॉल्स अप्रोल करनी है ऐसे करके, तो आप ऐसे करके आंख बंद कर सकते हैं। योग रतो वा भो रतो वा संग रतो वा संग रहीना यस्य ब्रह्मणी रंते चत्तर निन्दति नंदति नंदते। योग के मार्ग से जाओ या भोग के मार्ग के साथ जाओ, अकेले जाओ या सबके साथ जाओ, जो ब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा वही रमेगा, वही आनंदमय शरीर में जाएगा। तो ये हो गई आपकी शांभवी मुद्रा, ग्रेस लुब्रिकेशन मुद्रा, ठीक है जी। एक बार शांभवी मुद्रा फिर से लगा के दिखाता हूं। ठीक है जी, अब लास्ट में बात करेंगे नाड़ी शोध प्राणायाम। तो नाड़ी शोध प्राणायाम के बहुत सारे, मैं वज्रासन में बैठूंगा अभी, नाड़ी शोध प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं, परंतु जो सबसे सिंपल फोर स्टेप टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप है सेम नॉस्टिल ब्रीदिंग, सेकंड स्टेप में ऐड टू इट अल्टरनेट नॉस्टिल ब्रीदिंग, थर्ड स्टेप में ऐड टू इट अभ्यांतर कुंभक, एंड फोर्थ स्टेप में ऐड टू इट बाह्य कुंभक। ये हो गई नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसको करके देखेंगे एक बार। पहला हुआ सेम नॉस्टल ब्रीदिंग, सब कुछ लेफ्ट से स्टार्ट होता है हमेशा जिंदगी में, ठीक है जी।
रेडीज फर्स्ट, तो इसीलिए आप ईडा को पहले करते हैं। तो पहले सांस ली मैंने, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होल्ड किया कुंभक, ब्रीद आउट किया। ये कुंभक माइनर कुंभक है, इसको तो मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, इसलिए इसको आप निग्लेक्ट कर दीजिए। तो पहले पांच दफा लेफ्ट नॉस्ट्रिल इन लेफ्ट नॉस्ट्रिल आउट, सेम नॉस्ट्रिल ब्रीद इन सेम नॉस्ट्रिल ब्रीद आउट, पांच चंद्र बेदी के पश्चात पांच सूर्य बोधी लगाओ, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन ब्रीद आउट। अनुलोम विलोम नहीं है, अनुलोम विलोम में अल्टरनेट होता है, हम लोग अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ एक सेम नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। अब चंद्र बेदी के बाद सूर्य बेदी खाता हूं, सूर्य बेदी में राइट, ठीक है जी। अपनी हीट को एक्टिवेट अगर करनी है आपको तो आप सूर्य बेदी करते हो, ये सूर्य बेदी चंद्र बेदी नहीं है, माफ कीजिएगा मैं गलती हो गई, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन ब्रीद आउट की टेक्निक बता रहा हूं। पहली स्टेज में 1:1 रेशियो रहेगा, इनहेलेशन अगर आपने किया 2 सेकंड तो एक्सहेलेशन भी करें 2 सेकंड, आप स्लोली स्लोली बढ़ाएं उसको 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स, तत्पश्चात एक्सहेलेशन को डबल द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन करें, यानी कि जो श्वास छोड़ रहे हैं वो उसका जो कालांतर है वो डबल होगा सांस लेने का काल के मुकाबले। तो अब दूसरा काम करेंगे ऑल्टरनेट ब्रीदिंग नॉस्ट्रिल, वो अनुलोम विलोम हो गया, तो लेफ्ट चंद्र भेदी करा फिर एक सूर्य भेदी किया तो अनुलोम विलोम हो गया। देखिए ये हो गई एक अनुलोम विलोम, ऐसे 15 अनुलोम विलोम लगाएंगे। अगर आपने कुंभक के साथ किया तो जनरली आपको 15 मिनट लग जाएंगे, विश्वास करें ना करें, अगर आप बिल्कुल धीमे सांस लें कुंभक करें अभ्यंतर कुंभक बाह्य कुंभक तो 1 मिनट में आप एक ही साइकिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10 सेकंड में सांस खींचा, आपने 20 सेकंड में सांस छोड़ा, आपने 40 सेकंड में आपने कुंभक किया, देखिए कितना अच्छा रेशियो है। रेशियो कहलाता है, अगर केवल इनहेलेशन एक्सहेलेशन का रेशियो देखेंगे सांस अंदर खींचने और बाहर करने की तो वो होती है 1:2। अब उसमें अभ्यंतर कुंभक लगा दो तो 1:2:4, अब उसमें बाह्य कुंभक लगा दो तो 1:2:4:2। सीक्वेंस में बताऊं तो पहले लिया सांस अंदर जो हुआ पूरक, फिर हो गया अभ्यंतर कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक। तो ये जो चार अवस्थाएं हैं, पूरक, अभ्यंतर कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, इनका रेशियो होना चाहिए 1:4:2:2, 14:22 नंबर याद रखो, 1:4:2:2, 14:22 रेशियो होना चाहिए। अब अगर आपने इनहेलेशन 5 सेकंड्स का किया तो इंटू 5 कर दो, 5:1:5 फॉर इनहेलेशन या पूरक, अब उसका 5:4:20। कुंभक होगी हमेशा 4 गुना प्रभावी, 4 गुना ज्यादा देर तक कुंभक को करना है, तो वो हो गई 20 सेकंड आपकी, ठीक है जी। और अब आपने सांस छोड़ा वो हो गई 10 सेकंड और फिर आपने और 10 सेकंड जोड़ लो बाह्य कुंभक में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता था कि 1 मिनट हो जाएगी कम से कम, देख लो आप, अगर आपने 5 सेकंड केवल 5 सेकंड किया है इनहेलेशन तो उसमें जोड़ो 5×4 20 सेकंड और फिर उसमें जोड़ो 10 और 10 तो हो गया 20+10 30+40 35, तो 5 सेकंड वाले इनहेलेशन के लिए 35 सेकंड चलेगा, 10 सेकंड इनहेलेशन वाले के लिए 70 सेकंड चलेगा। एक तो अगर आपने 10 सेकंड, ये तो 3-4 सेकंड हुए मेरे इनहेलेशन, और लंबी ले जाओ 10 सेकंड तक ले जाओगे तो बाकी जो डाउन ट्रेंड है वो 70 सेकंड चलेगा। इसलिए 1:4:2:2 ये हो गई कंप्लीट नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन मतलब क्या? नाड़ी शोधन मतलब नाड़ियां जो आपकी एनर्जी है, प्राणा जो है, प्राण इज द लाइफ वाइटल फोर्स which keeps you alive. तो ये प्राण जो है वो मिनिएचर सूक्ष्म शरीर में जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक चैनल्स हैं उसके थ्रू फ्लो कर रही है, उसको नाड़ी बोला। वो जाकर रुकती है बिंदु पे और बिंदु
में तो एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, प्राणा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उससे बड़ा होता है चक्रा। तो ये चक्रा जो है इमोशन है, इमोशन जो आपकी भावनाएं हैं उसका एक स्लोली स्लोली अपग्रेडेशन हो रहा है। पहले केवल अपने बारे में सेल्फिश मूलाधार हो गया, फिर क्रिएशन स्वाधिष्ठान हो गया, फिर एम्बिशन मणिपुर हो गया, फिर प्रेम लव अनहता हो गया, करेज विशुद्धा हो गया, इंट्यूशन अजना हो गया, ब्लिस सहस्रारा हो गया। तो इट इज बेसिकली एन अडेप्टेशन मॉडिफिकेशन अपग्रेडेशन। एक तरीके से आपने भावनाओं का जो अपना चेंज कर दिया वही प्राणायाम है। तो ये नाड़ी शोधन में आप इड़ा शक्ति जो है और पिंगला शक्ति जो है उनको बराबर रख रहे हैं। मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि इड़ा जो आपकी लेफ्ट की शक्ति है, चंद्र की शक्ति है, वो रेस्ट रिलैक्सेशन मेडिटेशन क्रिएटिविटी की शक्ति है, और पिंगला जो है वो आपकी अग्रेशन एक्टिविटी ईगो मोटिवेशन कमिटमेंट डेडिकेशन, ये जो एनर्जाइजिंग रजासिक शक्तियां हैं ये ज़्यादा दिखाती हैं। इसलिए अग्नि की शक्ति में ज़्यादा पिंगला है, और चंद्र चाहे आप कफ की शक्ति बोलें दोष के माध्यम से, या फिर उसको जल की शक्ति बोलें, वो नर्चरिंग हीलिंग रिलैक्सेशन आपको पिंगला से आ रहा। तो इड़ा और पिंगला की शक्तियों को अगर आपको समन्वय में रखना है तो आपको नाड़ी शोधन करना है, अनुलोम विलोम करना है। जो चार स्टेजेस में नाड़ी शोधन करना है वो है सेम नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इंट्रोड्यूस अभ्यंतर कुंभक, एंड ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इंट्रोड्यूस अभ्यंतर प्लस बाह्य कुंभक। और रेशियो होगा इनहेलेशन या पूरक का 1, अभ्यंतर कुंभक का 4, रेचक या एक्सहेलेशन का 2, बाह्य कुंभक का 2, 1, 4, 2, 2। तो मित्रों मैंने संक्षेप में आपको बताया ध्यानात्मक आसन के 6 प्रकार होते हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन और वज्रासन। फिर आपके प्राणायाम होते हैं ब्रह्मरी, भस्त्रिका, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकरी। फिर आपकी कुछ बंद होते हैं जलंधर, उड्यान, मूल बंद। फिर कुछ मुद्राएं होती हैं ज्ञान मुद्रा, विष्णु मुद्रा, योनी मुद्रा और आपकी शांभवी मुद्रा। और फिर मैंने बताया नाड़ी शोधन जिसमें होता है सेम नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग विद अभ्यंतर कुंभक, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग विद बाह्य कुंभक, 1, 4, 2, 2। तो आपको ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करना है, कुछ मुद्रा लगा लो, कुछ बल लगा लो, कुछ प्राणायाम लगा लो और कुछ ध्यानात्मक आसन लगा लो। ये चारों चीजों को आपने जब इंटीग्रेट कर दिया तब आप योगा में एक आगे की लेवल पे पहुंच जाएंगे। तब आप देखेंगे आप में एक अंदर एक शांति आ गई है, क्योंकि प्राणायाम से आपको आसन से तो आपके अन्नमय शरीर स्वस्थ रहता है, पर प्राणायाम से आपके सारे बाकी जो सूक्ष्म शरीर है ना, चाहे प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और अंत में आनंदमय शरीर तक आप पहुंच सकते हैं प्राणमय, प्राण की शक्ति से। क्योंकि शिव और शक्ति है, शिव इज स्टिलनेस, शक्ति इज वाइब्रेशन ऑफ प्राण। तो अपनी शक्तियों को अगर आपने समन्वय में ला दिया प्रत्याहार के माध्यम से, कम खाना, कम बोलना, कम चलना, कम ये प्रमाद आपके अंदर आ रहा है, काम क्रोध लोभ, तब आप में शक्ति आ जाएगी। तब आपकी जो प्राण, ये जो वायु की शक्ति है ना, ये जब दोष जो कहते हो वात पित्त और कफ, वात दोष अगर बढ़ जाए तो मुड्ढा की अवस्था में ले आएगा। ज्यादा प्राणायाम शक्तियां कर लो तो वो डिस्टिल होके प्राण प्राण बन जाएगा। उसी प्रकार से पित्त की शक्ति अगर पागल हो जाए तो वो एंगर क्रोध बन जाएगी, और अगर उसको उठा दो तो वो योगानंद की आंखों में जो रोशनी है वो तेज बन जाएगी। उसी प्रकार से कफ की शक्ति को अगर ज्यादा तमासिक बना दोगे तो वो ग्रीड या लोभ बन जाएगी। उसको आपने डिस्टिल यदि कर दिया कफ को तो वही ओज बन जाएगी। तो प्राण, तेज और ओज इज द परफेक्ट डिस्टिलेट ऑफ द दोषास ऑफ वात पित्त एंड कफ, एंड व्हेन दिस दोषास फर्दर डिटीरियरेट दे बिकेम मद क्रोध एंड लोभ। त्रिविधम नरकस्य द्वारा नाश नमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्।
तीन मार्ग हैं, काम क्रोध और लोभ, इनसे तुम नरक जा सकते हो। और ये बेसिकली ये तीन, ये कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, इसलिए इन तीनों को छोड़ दो। तो ये जो दोष है वात पित्त कफ, यही तो बच जाते हैं। तो प्राणायाम की जो अवस्था है वो बेसिकली आपकी ब्रीदिंग को डिस्टिल करके वात को खत्म कर रही है। विष्णु मुद्रा जो लगाते हो तो तुम क्या बोल रहे हो कि वात जो वायु और आकाश है उसकी मेरे में कंपोनेंट कम करिए और मेरे में पृथ्वी स्टेबिलिटी और जल अडेप्टेबिलिटी और फायर पिंगला की जो आर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़ाइए प्रभु। तो ये विष्णु मुद्रा हो गई, इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा हो गई। तो मित्रों संक्षिप्त वर्णन ये है कि आसन प्राणायाम बंद और मुद्रा चारों को एक साथ यूज करिए, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। नमस्कार।